नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे पोषक पदार्थ मींस की न्यूट्रिएंट के बारे में, जो आपके सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है और साथ ही काफ़ी यूजफुल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स का जो आपका मेन टॉपिक होगा वो विटामिन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसमें आपको विटामिन का पूरा निचोड़ बताया जाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है। यहाँ पर हमें सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, मीन्स के न्यूट्रिशन या पोषक पदार्थ क्या होता है। अगर हम पोषक पदार्थ की बात करते हैं, जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें रासायनिक तत्व होता है, रासायनिक तत्व को ही हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि आप कुछ खाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी या कोई फ्रूट्स खाते हो, तो जो भी आप भोजन का सेवन करते हो और उसमें रासायनिक तत्व होते हैं, जैसे कि है आप मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है, पोटेशियम होते हैं, इस तरीके के जो तत्व होते हैं उन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद पोषक तत्व भोजन में उपस्थित अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। यदि आपके बॉडी में पोषक तत्व नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी किसी तरीके का कार्य नहीं कर सकती है। पोषक पदार्थ हम तीन से चार तरीके से यूज करते हैं, जैसा कि फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट व वसा, दूसरा प्रोटीन और जल, तीसरा विटामिन और खनिज। मतलब कि इतने प्रकार के पोषक पदार्थ हमारे बॉडी में जाना जरूरी होता है और ये सभी पोषक पदार्थ को हमें लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा प्रदान होती है और प्रोटीन जल की अगर हम बात करते हैं तो शरीर का निर्माण करती है, और विटामिन खनिज की यदि हम बात करते हैं तो रोगों से रक्षा करने का काम विटामिन और हमारे शरीर में मिनरल्स का काम होता है। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है, नेक्स्ट है आपका पोषक पदार्थ से हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्य के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थ की हमें आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा और जल की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की पेज में बताया है कि हमें पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा और जल की आवश्यकता होती है। तो हम इसमें से आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे विटामिन के बारे में। आइए देखते हैं विटामिन क्या है। मैंने आपको बताया पहली क्लास में कि विटामिन जो आपका होता है वो रोगों से रक्षा प्रदान करता है। आइए देखते हैं क्या है विटामिन। यदि विटामिन की जब बात की जाए तो विटामिन में सबसे पहले आपको याद रखना है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। अब अगर हम उनके प्रकार के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, विटामिन जो होता है वो दो प्रकार के, जल में घुलनशील विटामिन जिसको वाटर सोल्युबल कहते हैं, और फैट सोल्युबल जिसको वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। इस तरीके से टोटल विटामिन जो होते हैं, विटामिन वाटर सोल्युबल मतलब जल में घुलनशील विटामिन को बी और सी कहते हैं, और फैट सोल्युबल वसा घुलनशील विटामिन को ए डी और ई के कहते हैं। इसका मतलब कि विटामिन 4 एंड 2 6 विटामिन होते हैं। अगर हम बात करते हैं बी के बारे में तो बी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम लोग बाद में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में डिस्कशन करना है, विटामिन के बारे में। तो आइए हम विटामिन के बारे में पहले जान लेते हैं कि विटामिन क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन आपके टोटल 4 to 6 होते हैं, विटामिन ए डी ई के और बी और सी, मतलब ए बी सी डी ई के विटामिन आपके होते हैं और बी के कुछ प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखना है एक ट्रिक, जिसके माध्यम से आपको विटामिन के केमिकल्स नेम मतलब रासायनिक नाम हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो पहले आपको याद रखना है विटामिन ए का मतलब रेटिनॉल, बी का मतलब थायमिन, सी का मतलब एस्कर्बिक एसिड, डी का मतलब कैल्सिफेरॉल और ई का मतलब टोकोफेरॉल और के का मतलब फिलिक्विनोल।
या हम इसको निफ्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी में B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियाशीन, विटामिन B5 पेंटोथीनिक एसिड और विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B11 फोलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबाला में। इस तरीके से यहाँ पर विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं आगे के पेज में, तो सबसे पहले हमें जानना है कि विटामिन होता क्या है, विटामिन क्या है, विटामिन किसे कहते हैं, आइए हम जान लेते हैं, फिर उसके टाइप्स और उसके प्रकार के बारे में एक एक कर पूरा जानेंगे। आइए सबसे पहले विटामिन, देखिए विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती और ना ही विटामिन से हमें कोई पोषक, मतलब कि कोई भी हमें एनर्जी प्रोवाइड ना होती है और ना ही हमें कोई भी तरीके का फैट या कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता है। लेकिन विटामिन से मिलता क्या है, विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विटामिन एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपचय क्रियाओं मतलब मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं और विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। मतलब कि जब आप ऊर्जा तो हमें विटामिन से नहीं मिलती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए विटामिन की आवश्यकता हमें होती है। अब आप सोच रहे हो ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब खाया पिया पचाया बराबर उपापचाया, मतलब आप जो खाते हो पीते हो उसके बाद जो डाइजेस्ट होकर वो क्रियाएं मतलब जो होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, उसी को हम लोग उपापचाया कहते हैं। मतलब खाया पिया बराबर उपापचाया, ठीक है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए विटामिन की हमें आवश्यकता होती है और विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने के लिए भी कार्य करता है। आते हैं हम लोग विटामिन के डिस्कवर्ड पे। अगर विटामिन के डिस्कवर्ड के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि विटामिन का डिस्कवर्ड सबसे पहले हॉपकिंग्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका डिस्कवर्ड किया था, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से सारी चीज़ें नहीं बताई थी। 1912 में किश्मियर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया और उन्होंने विटामिन के बारे में आगे भी स्टडी जारी रखी। इसीलिए विटामिन की खोज का डिस्कवर जो माना जाता है, खोजकर्ता माना जाता है, वो फंक को माना जाता है। तो आपको भी याद रखना है कि विटामिन का खोज फंक ने किया था, लेकिन सबसे पहले हॉपकिंग्स ने विटामिन के बारे में देखा था, मतलब जाना था, लेकिन उसके बारे में आगे स्टडी फंक ने की थी, इसलिए विटामिन को खोजकर्ता माना गया है। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है, आपको जो मैं एक एक करके सभी विटामिन के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका विटामिन के प्रकार। विटामिन के जब प्रकार की बात हम करते हैं, तो विटामिन हमने बताया 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, जिसको वाटर सोल्युबल और फैट सोल्युबल के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए वाटर सोल्युबल में बी और सी विटामिन आती है और फैट सोल्युबल में ADEK आती है। आपको याद रखना है ट्रिक के साथ, वाटर मतलब कि बिस्लरी, मतलब बी और सी, ठीक है। चलिए अब देखिए जो वाटर सोल्युबल होती है वो विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते, मतलब वाटर सोल्युबल विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते, ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। मतलब हमने जो भी विटामिन्स की चीज़ें ली वो हमारे बॉडी में गया, लेकिन ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। जैसे कि नींबू आपने लिया, वो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फैट सोल्युबल की। फैट सोल्युबल हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं और यह फैटी टिश्यू में भी स्टोर होते हैं और फैट सोल्युबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिन या महीनों तक भी रह सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि फैट सोल्युबल को स्टोर किया जा सकता है जो काफ़ी लंबे समय तक रहता है हमारे बॉडी में, लेकिन वाटर सोल्युबल नहीं रहता। वाटर सोल्युबल जो होता है वो कुछ ही मिनटों में हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होना प्रारंभ हो जाता है। उसकी आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आइए हम आगे आते हैं विटामिन से रिलेटेड और भी संबंधित बातों पे।
अब हम बात करते हैं विटामिन के ट्रिक, मतलब कि विटामिन का जो रासायनिक नाम है उसे कैसे याद किया जाए। अब जैसा कि मैंने बताया, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के इतने सारे विटामिन आपको दिखे, मतलब 4 to 6 विटामिन होते हैं, जिसमें हम लोगों को एक ट्रिक याद करना है। रत एक टॉफी है, क्या आप इस ट्रिक को नहीं याद कर पाएंगे? बिल्कुल याद कर लेंगे। आपको इतनी बातें याद रखनी है, रत एक टॉफी है। जब आप याद रखते हैं तो रस रे आपका होता है, रा से मतलब ए, था से मतलब बी, ए से मतलब सी, का से मतलब डी, और ट्रा से मतलब आपका होगा ई, और फा से मतलब होगा के। तो आपको याद रखना है रथ एक टॉफी है, ए बी सी डी ई और के, सिंपल सा आपको याद रखना है। मतलब रा से मतलब क्या होता है, रेटिनॉल, था से मतलब थायमिन, ए से मतलब एस्कर्बिक, का से मतलब कैल्सिफेरॉल, या फिर इसको एग्रो कैल्सिफेरॉल या कोले के, इसको हम कई नामों से जानते हैं, तो आप कह सकते हो कोलेलू, यहाँ पे कोलेलू ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप कट कर दो, या एग्रो कैल्सिफेरॉल या फिर कैल्सिफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फा से आपका फिलोक्यूनोन या नेफ्थोक्यूनोन के नाम से हम जानते हैं। सभी का डिस्कवर्ड का सन भी लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं, जहाँ पे रेटिनॉल 99 आपका हुआ, थायमिन 1912 मतलब 1912, और एस्कर्बिक यहाँ पे 1912, और आपका एग्रो कैल्सिफेरॉल है ये भी आपका 1912 ही है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना 1912 ही होगा। टोकोफेरॉल भी 1922 और नेफ्थोक्यूनोन भी 1929 में हुआ था। तो रथ एक टॉफी है, रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कर्बिक, का से कैल्सिफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फा से नेफ्थोक्यूनोन या फिलोक्यूनोन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ऐसे कर आपको केमिकल नेम अच्छे से रीड करके रखना है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में केमिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया विटामिन बी का रासायनिक नाम। देखिए, विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, तो इस तरीके से आपको सारे लर्न करने हैं। B1 इसमें भी आपको बस एक छोटा सा ट्रिक याद कर लेना है, ABCDE में आपने क्या याद किया, रथ एक टॉफी है। अब बी का पूरा याद कर रहे हो, थोरा न्यू पेंट पर बायो फसा, थोरा न्यू पेंट पर बायो फसा, ये छोटी सी ट्रिक है। थो से थायमिन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से निकोटिनामाइड या नियाशीन, पेंट से पैंटोथेनिक, पर से पायरिडॉक्सिन, बायो से बायोटीन, फा से फॉलिकम और सा से साइनोकोबालामिन। तो आपको ये रासायनिक नाम, केमिकल नेम भी याद रखने हैं विटामिन बी के। आपको पूरे केमिकल नेम इतने अच्छे से लर्न होने चाहिए कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कर्बिक, विटामिन डी क्या होगा भाई, विटामिन डी आपको बताना है कि कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नेफ्थोक्यूनोन या फिलोक्यूनोन के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद आपका आता है बी थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनामाइड या नियासिन, पैंटोथेनिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन, बायोटीन या फॉलिक अम्ल या साइनोकोबालामिन, ये हुए आपके विटामिन बी के रासायनिक नाम। अब हम लोग आते हैं एक एक कर एक एक विटामिन के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी लेने, और उसके बाद हम लोग कुछ क्यूज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। ये 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए ही नहीं, जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि अगर आपने इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली है तो विटामिन से आपका कभी क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता है। यदि क्वेश्चन फंसता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि इसको वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी विटामिन से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसेगा। आइए विटामिन ए के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ये आँखों के रेटिना के कारण आवश्यक होने के कारण इसे हम लोग एंटी जीरो इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, इसे हम लोग
एंटी जीरो पैथाल्मिक के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आंखों के रेटिना के कारण आवश्यक होने के कारण, मतलब आंखों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विटामिन है, काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है, इसीलिए हम इसे ये नाम से जानते हैं। अब देखिए, हम अगर एक एक करके इसमें बात करते हैं, विटामिन ए की वृद्धि एवं विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, मतलब इम्यूनिटी बूस्टर, भ्रूण के विकास और आँखों की रोशनी के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। यदि आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, वृद्धि और विकास के लिए होती है, भ्रूण के विकास के लिए होती है और आँखों की रोशनी के लिए सबसे ज़्यादा विटामिन ए की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात करते हैं शरीर के आगे बारे में, बात करें तो शरीर में विटामिन ए त्वचा एवं शरीर के अन्य भागों जैसे कि बाल, मसूड़ा, नाखून, त्वचा, हड्डी, इन सभी के विकास डेवलपमेंट के लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी से आंखों में रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और विजन संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होती है। आइए हम और भी जानकारी लेते हैं विटामिन ए से। अब हम अगर आगे के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से होने वाले लक्षण, मतलब विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रतौंधी, गर्भधारण में परेशानी, रूखी त्वचा, मोतियाबिंद, कमजोर हड्डियाँ, ये आप देख पा रहे हैं। जैसे कि रतौंधी आपको हो जाता है तो आपकी आईज ऐसे दिखने लगती है, मतलब इस तरह से कलर नहीं दिखने लगता, ठीक है, रतौंधी मतलब कम दिखना। उसके अलावा मोतियाबिंद तो आप समझ ही रहे हो। उसके अलावा रूखी त्वचा, आपके बॉडी में ऐसी स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी त्वचा फटने लगती है, तो ये सारे क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ विटामिन। अब विटामिन के क्या क्या सोर्स है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला आपका है फल। अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो सबसे ज़्यादा आप फ्रूट या वेजिटेबल का सेवन करिए। सेकंड नंबर पे आपका आता है मांस। थर्ड नंबर पे आपका आता है एग, मतलब अंडा। फोर्थ नंबर पे आपका आता है लीवर और फाइव नंबर पे आता है मछली का तेल। यदि विटामिन ए की कमी है तो मछली का तेल का सेवन बिल्कुल करें। उसके अलावा जैसे कि गाजर, आपको फ्रूट्स में गाजर, हरी सब्जियाँ और भी ऐसे वेजिटेबल हैं जैसे कि स्पिंज, मतलब पालक, मक्खन और उसके अलावा दही, चीज़ एवं डेयरी, इन सभी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं विटामिन ए के लिए। तो विटामिन ए के कौन कौन से सोर्स हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट पे आते हैं विटामिन बी। देखिए विटामिन बी से जब आपकी बात करते हैं हम लोग तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और आपको मैंने पहले भी बता दिया थायमिन। विटामिन बी हमारे शरीर को जीवाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसा कि मैंने बताया कि रोगों से रक्षा करने का काम विटामिन का ही होता है, तो जब हमारे शरीर में जीवाणुओं से, मतलब जीवाणुओं को, अगर बॉडी में आपके जीवाणु बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हो गए तो सबसे ज़्यादा हमें विटामिन की चीज़ लेनी चाहिए। तो विटामिन बी हमारे शरीर को जीवाणुओं से संघर्ष करने में क्या करता है, पावर, मतलब शक्ति प्रदान करने का काम करता है। साथ ही विटामिन बी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायक होता है, जैसे कि हमारी त्वचा, तंत्रिका, ऊतक, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, इन सभी को स्वस्थ रखने में मदद करता है विटामिन बी। आइए हम देखते हैं विटामिन बी से होने वाले रोग और लक्षण कौन कौन से हैं। जब विटामिन बी के लक्षण के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है डिजीज़ बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। त्वचा का पीलापन, घाव और लाल जीभ, मुंह के अल्सर या चुवन की संवेदना में बदलाव, दृष्टिदोष, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, मनोविकृति, ये सारी चीज़ें आपको कब होती है तो आपको बताना है विटामिन बी की कमी से। यदि आपके बॉडी में विटामिन बी की कमी होती है तो ऐसी प्रॉब्लम आपके बॉडी में बननी ही है, होना ही होना है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन बी के कुछ सोर्स कौन कौन से हैं। जब विटामिन बी के सोर्स के बारे में हम बात करते हैं
अब विटामिन बी के हम सोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको तिल, अगर विटामिन बी की कमी है तो आपका आपको तिल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा सूखी मिर्च, अंडा, गाजर, खमीर, दूध या समुद्री भोजन, इन सभी का यूज हमें विटामिन बी के लिए करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। विटामिन बी तो आपका हो चुका, विटामिन सी पे आते हैं। विटामिन सी पे जब हम बात करते हैं तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी तत्व माना गया है, क्योंकि विटामिन सी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। जैसा कि सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट है जो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाने का ये काम करता है, और साथ ही साथ हमारे जोड़ों को सपोर्ट देने का काम कौन करता है, विटामिन बी करता है। तब तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट में हम लोग विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से लक्षण क्या है, अगर आपके बॉडी में विटामिन सी जैसे विटामिन की कमी हो गई तो इनके क्या क्या करैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है चिड़चिड़ापन। यदि आपको विटामिन सी की कमी है तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, और जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि बहुत ही जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट आ जाती है, तो ये विटामिन सी के कारण है, मतलब विटामिन सी की कमी के कारण है। भूख का ना लगना, सुस्ती आना बॉडी में, वजन कम होना, बुखार या कमजोरी होना, टांगों में दर्द होना या थकाव, स्कर्वी रोग, इन सभी रोग आपको तब होते हैं जब आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं, विटामिन सी के क्या क्या सोर्स हैं। अब देखिए विटामिन सी के हम जब सोर्स की बात करते हैं तो जैसा आप सभी जानते हो कि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी तो अधिकतर पाया जाता है, तो जैसा कि आपका नींबू, नींबू में आपके विटामिन सी होते हैं, संतरा, अमरूद, किशमिश, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीला शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें आपकी विटामिन सी में होती हैं। स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची, मटर और मूंगफली, आलू, टमाटर भी आपके विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको विटामिन सी की कमी है तो आप इन सब फ्रूट्स को लेकर यूज कर सकते हैं विटामिन सी के लिए। आइए हम आते हैं नेक्स्ट पे विटामिन डी। विटामिन डी की अगर बात करते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल या कोली कैल्सीफेरॉल के नाम से हम इसे जानते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस के विनिमय के लिए आवश्यक है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत रहती हैं। यदि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो आपकी बोन्स में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बिल्कुल भी आपके बॉडी में विटामिन डी इंक्रीज ना हो। हड्डियों की मजबूती के अतिरिक्त विटामिन डी के माध्यम से दांतों एवं शरीर के अन्य भागों को भी मजबूती प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग विटामिन डी के कौन कौन से सिम्पटम हैं। अगर जो विटामिन डी के सिम्पटम की हम बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से सबसे पहले तो बच्चों को रिकेटस नामक रोग होता है, जो आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। उसके अलावा हड्डियाँ जो आपकी होती हैं, जब आपको रिकेटस जैसे रोग हो जाते हैं तो जो आपकी बोन्स होती हैं, आपके लेग की बोन्स होती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, और सामान्य स्थिति में इनके टूटने का भी खतरा रहता है। उसके अलावा भी जैसा कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों की कमजोर होना, शरीर के विभिन्न भाग जैसे हृदय, गुर्दे, अन्य भागों में पथरी की शिकायत होना, उसके अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन रहना, ब्लड प्रेशर की समस्याएं और उच्च रक्तचाप, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सारे विटामिन डी के सिम्टम्स हुए। आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई।
लेकिन उससे पहले कुछ सिम्टम्स और भी देख लेते हैं विटामिन डी के। जैसा कि मैंने आपको बताया, अस्थमा, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें जो आपके हाई ब्लड प्रेशर, सब विटामिन डी की कमी से ही होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विटामिन डी के सोर्स पे आते हैं। विटामिन डी के क्या क्या सोर्स हैं? तो सबसे अच्छा सोर्स तो विटामिन डी का है सन, मतलब कि सूर्य से सबसे ज़्यादा आपको क्या होता है, वह विटामिन डी मिलते हैं। उसके अलावा एग, संतरा, दूध, मशरूम, दही, अनाज, मीट और मछली, ये सारे जितने भी आपके मैंने आपको नाम बताया, वो सभी विटामिन डी के सोर्स हैं। और इन सभी की आवश्यकता आपको तब होती है जब आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। आइए हम लोग बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। जब विटामिन ई के बारे में बात करते हैं तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई को हम बोलते हैं। यहाँ विटामिन लाल रक्त कोशिका जैसे कि रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और शरीर के विभिन्न अंगों मांसपेशियों को समान रूप से बनाए रखने में योगदान होता है। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। यदि आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो गई तो आप थोड़ा सा कम खूबसूरत दिखोगे, इसलिए खूबसूरती के लिए विटामिन ई की भरपूर मात्रा में आपकी आवश्यकता होती है। विटामिन ई की बात करें तो कोशिका सेल निर्माण और ऑक्सीजन के हानिकारक रूप से सुरक्षा हेतु विटामिन ई की आवश्यकता होती है। विटामिन ई से सिम्टम्स, विटामिन ई के कौन कौन से सिम्टम हैं आइए हम बताते हैं। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, सबसे पहले जान लो आपका विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे स्किन में डैमेज कम होता है और साथ ही साथ ये कोलेजन प्रोटेक्शन में भी मदद करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किन में डैमेज कम होता है, मतलब आपकी ब्यूटी को कम बिगाड़ता है कौन, विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी आपके बॉडी में कभी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ सोर्स बताऊंगी, उस सोर्स को देखते और समझते हुए विटामिन ई का यूज़ भरपूर मात्रा में आपको करना चाहिए यदि आप चाहते हो कि आपकी ब्यूटी बनी रहे। तो आगे हम बात करते हैं, ये सूरज का अल्ट्रावायलेट रेज को भी बचाता है। अगर ये शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो इससे सेलुलर ब्रेकडाउन भी आपका बिगड़ जाता है और हो सकता है कि आपकी स्किन समय से पहले ही आपको बूढ़ेपन का ये अनुभव दिला दे। तो यदि आप नहीं चाहते कि आप बूढ़े हो या जल्दी बूढ़े हो या आपकी जल्दी बॉडी में झुर्रियाँ पड़े, तो आप विटामिन की चीज़ों का बिल्कुल यूज करना शुरू कर दें। आइए हम बात करते हैं विटामिन की क्या क्या सिम्टम्स हैं। मांसपेशियों में कमजोरी आना, हृदय संबंधी समस्याएं, शरीर के अंगों का शून्य होना और बाझपन, ये सारे विटामिन ई की कमी होते हैं। आँखों में कमजोरी होना, सभी विटामिन ई की कमी है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई के कौन कौन से सोर्स होते हैं। जब विटामिन ई के सोर्स की बात यहाँ पे आती है तो सबसे पहले तो आपको वीट, मतलब कि वीट का यूज कर सकते हो विटामिन ई के लिए। उसके अलावा आपका आता है जर्म, ऑयल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सूरजमुखी के बीज, वनस्पति तेल और नट्स एवं बादाम, ये सारे विटामिन ई के आपके सोर्स हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इमेज दिखाई हुई है, ग्रीन कलर की कुछ टैबलेट है, ये विटामिन ई की गोली होती है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसका यूज़ आप बेफिक्र होकर कर सकते हो। अब ये मत कहना मैम क्या बी कॉन्टिन्यू, आप खाते हो रहो कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन आप मंथली में मैक्सिमम आप 10 या हम कह सकते हैं कि 15 से आप गोली यूज कर सकते हो। आइए हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में जब बात करने लगे तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। ये शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन होता है। यदि आपको कोई प्रकार का चोट लगता है या किसी तरीके का रक्त निकलने वाले चोट आते हैं तो उसके लिए आपके बॉडी में विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और यदि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग तो होने के कोई चांसेस ही नहीं है, और ब्लड आपका बहता रहेगा जिससे आपका ऑन द स्पॉट डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। अब इससे भी ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ।
जिसके माध्यम से चोट लगने के बाद ब्लड बहना आपका बंद हो जाता है और रक्त में कैल्शियम के स्तर को संतुलित रखने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हड्डियों एवं ऊतक के निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं प्रोटीन और विटामिन के आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है आपका ब्लड क्लॉटिंग। आइए हम बात करते हैं विटामिन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। अब देखिए, सबसे पहला है हड्डियों एवं घनत्व में कमी, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं आना, ब्लड क्लॉटिंग संबंधी समस्याएं आना, दांतों एवं मशूड़ों में संबंधित दिक्कतें आना, महिलाओं में अधिक मस्तिष्क धर्म का होना, बोन डेंसिटी कम हो जाना, अक्सर जोड़ों और हड्डियों में दर्द का होना, छोटी चोट का बड़ा घाव बन जाना और नाखून के नीचे खून के छोटे छोटे थक्के बन जाना, ये सारे विटामिन के की कमी है। उसके अलावा मशूड़ों से खून आना, ये विटामिन के कुछ सिम्टम्स हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। अब हम आते हैं सोर्स पे। जैसा कि सोर्स की जब बात यहाँ पे करते हैं तो आपको ग्रेन्स, ब्रोकली, स्पिनच, कैबेज, लेक्यूस, ये सारी चीज़ें आपको यूज करनी चाहिए विटामिन ई के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। यदि आप पीडीएफ की भी डिमांड करते हैं तो बिल्कुल आपको पीडीएफ दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसी ही आपको अच्छी अच्छी नॉलेज दी जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो आपका क्या है भाई, आपका कुछ पॉइंट ये है। देखा आपने, जी हाँ, फिर से रिवीजन कराने हम आ गए हैं आपके पास। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनामाइड या नियाशिन, विटामिन B5 पैंटोथेनिक, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, थोरा न्यू पेंट पर बायो फशा। इतना आपको ट्रिक याद करना है B1 के केमिकल्स नेम में। उसके बाद हम आते हैं विटामिन B1 में, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लो। विटामिन B1 की अगर बात की जाए तो खाने से ऊर्जा को विखंडित करने और निकालने में, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में हमारे लिए विटामिन B1 उपयोगी है। अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे मटर, ताजे और ड्राई फ्रूट्स, अंडे, साबुत अनाज, ब्रेड, ये सारी चीज़ें आपके विटामिन B1 के लिए हैं। उसके अलावा आपको कौन कौन से रोग होते हैं तो आपको याद रखना है अल्जाइमर, कैंसर, चयापचय, ये सारे विटामिन B1 की कमी से होने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं विटामिन B2 पर। विटामिन B2 की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले तो त्वचा, आंखें, तंत्रिका तंत्र जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसको स्वस्थ रखने में शरीर खाने से ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ स्रोत भी हैं विटामिन B2 के, जैसे कि आपको दूध, अंडे, अनाज, नाश्ता, चावल, ये सारी चीज़ें विटामिन B2 के सोर्स हैं। इनसे होने वाले रोग जो मैंने आपको बताया, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये आपके विटामिन B2 के सोर्स हैं। आइए आते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 जिसे नियाशीन के नाम से हम जानते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, निकोटिनिक एसिड और सेकेंड है निकोटिनामाइड एसिड। ये दोनों खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। इनके कुछ सोर्स हैं जैसे कि मीट, मछली, गेहूं का आटा, अंडा, दूध, ये सारे विटामिन B3 में उपयोगी होते हैं। इनसे होने वाले रोग, जीभ का चिकनापन, जैसे आपने देखा होगा जीभ में कभी कभी चिकनापन एकदम हो जाता है, सब विटामिन B3 की कमी से होता है। त्वचा पर फोड़े फुंसी का होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, मानसिक विकारों का होना, ये सभी विटामिन B3 के कुछ क्या है आपके सोर्स है, सॉरी हो, उनसे होने वाले रोग हैं। आइए हम आते हैं विटामिन B5 जिसे पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन B5 के बारे में तो लगभग सभी मांस सब्जियाँ में पाया जाता है, जैसे कि मुर्गा, बीफ, आलू, दरिया, टमाटर, किडनी, है ना, ब्रोकली, इन सभी में आपका पैंटोथेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। पेशियों में लकवा मारना, पैरों में जलन होना, ये सभी पैंटोथेनिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका पायरिडॉक्सिन एसिड।
अब यहाँ पे जब पाइरिडॉक्सिन की बात होती है तो ये सहायक है शरीर को खाद्य पदार्थ में मिलने वाले प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का इस्तेमाल और स्टोर करने के लिए अनुमति आपका पाइरिडॉक्सिन देता है। तो पाइरिडॉक्सिन की कमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके बॉडी में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, हीमोग्लोबिन से लाल रक्त सेल मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाला पदार्थ जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं उसके कुछ स्रोत के, जब विटामिन B6 के स्रोत के बात की जाए तो आपको बताना है मुर्गी पालन जैसे कि मुर्गा टर्की मछली ब्रेड साबुत अनाज सीरियल जैसे कि आटोमील गेहूं ब्राउन राइस, इन सभी में आपके विटामिन B6 पाए जाते हैं। इनसे होने वाले जो रोग हैं वो हैं त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से कम काम करना या शरीर का भार कम होना, अनिमिया, इन सभी डिसीज तब होंगे जब आपकी बॉडी में विटामिन B6 की कमी होगी। आइए नेक्स्ट आते हैं विटामिन B7। जब विटामिन B7 की बात की जाए इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। बायोटिन की बात हम अगर करते हैं एक मिनट, तो बायोटिन के शरीर में वसा को विखंडित करने के लिए सबसे ज़्यादा कम मात्रा में ये आवश्यकता होती है। ध्यान से समझिएगा, देखिए शरीर में वसा को विखंडित करने के लिए बायोटिन की हमें आवश्यकता होती है। और इसमें डिसीज की बात की जाए तो बाल का पतला हो जाना ये बायोटिन की वजह से होता है। जो अक्सर लड़कियां परेशान होती हैं, भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल कम हो रहे हैं। उसके अलावा त्वचा के धब्बे के रूप में दिखाई देना, ये सभी बायोटिन की वजह से होता है। इसके सोर्स स्ट्रॉबेरी ब्रोकली एवोकाडो नट्स, ये सारे बायोटिन के आपके सोर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं फोलिक एसिड। जब फोलिक एसिड की बात की जाए तो फोलिक एसिड को प्राकृतिक रूप से फोलेट नाम से जाना जाता है, या मदद करता है शरीर को स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स बनाने में, सेंट्रल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के खतरे का कम होना। अगर फोलिक एसिड की कमी नहीं है तो आपके बॉडी में सेंट्रल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के खतरे का कम होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जैसे कि शिशुओं में होने वाला स्पाइना बिफिडा, फोलिक एसिड की कमी फोलेट डिफियंसी अनिमिया का कारण भी आपके बॉडी में बन सकती है। उसके अलावा हम बात करते हैं फोलिक एसिड के स्रोत के बारे में, जैसे कि आपको याद रखना है कि इसके क्या क्या स्रोत हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी एक एक करके। तो फोलेट कम मात्रा में अधिक खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, जो कुछ इस प्रकार से है जो आपको एक एक करके अभी मैं बताती हूँ। जैसे कि आपको अगर बात करते हैं तो पालक मटर चिकपीस, ठीक है, इन सभी में आपके प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब हम बात करते हैं कुछ और भी पॉइंट पे, देखिए आपने देखा कि पूरे विटामिन में आपने रोग 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 पढ़ा, उसके सोर्स पढ़ा। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से क्या होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो विटामिन के केमिकल नेम से बनता है। आते हैं कुछ प्रश्न की ओर, हम प्रश्न देख लेते हैं कैसे प्रश्न हमारे कुछ पूछे जाते हैं। हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसमें केवल आपके विटामिन की पूरे पूरे क्वेश्चंस होंगे। ये तो आपका डिस्क्रिप्शन था, मतलब कि डीप में पूरी क्लासेस थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसका राइट आंसर विटामिन ए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन ए गाजर, हरी सब्जी, मूली या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब कि गाजर हरी सब्जी और मूली में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए बी सी या विटामिन डी? आपका राइट आंसर विटामिन ए, जिसे एंटी इन्फेक्शन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए,
विटामिन ए को ही हम एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। यदि सनशाइन की जब बात आ जाती है तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखते ही बता दो कि मैम बस आप लगा दीजिए विटामिन डी, तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका राइट आंसर विटामिन ए, विटामिन ए रोशनी के लिए सबसे आवश्यकतापूर्ण विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वसा में घुलनशील की जब बात की जाती है तो आपको बताया गया है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के कौन से विटामिन है, तो आप कहोगे मैम उपयुक्त सभी, जिसमें ए, डी, ई, के दिया हुआ है, ए, डी, ई, के जो वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो भाई बचा क्या, दो ही विटामिन है जिसे आप लोग बी और सी के नाम से जानते हो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, तो आपको बताना है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, इसका मतलब इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों ऑप्शन सी होगा, तो बी और सी मतलब बी सी और ए डी ई के इन दोनों वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी विटामिन की स्टडी को हम कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी मालूम है कि इस वीडियो को एडिटिंग करने और पूरा बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एक छोटा सा आपसे बस प्यार चाहिए, अगर आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप करते हैं तो आपका ये प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो आई होप कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इसको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।